जो काम कर रहे हो अच्छा काम तो कर रहे हो, जो अच्छा काम करो उसको तो करने दें। आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, तो ये गुजरात दंगों उसी वजह से जो हो रहा है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुरेश झा। आप पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल के इन दिनों बुरे दिन चल रहे हैं। ईडी और सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसीबी ने उनके विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हमारे देश के पूर्व नौकरशाहों ने भी आप पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और आप पार्टी की मान्यता को रद्द करने की मांग की है। इसके पीछे वजह यह है कि आप पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को भड़का रहे हैं। उन्हीं सबको लेकर नौकरशाह चुनाव आयोग पहुंचे हैं। इस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। देखिए, निस्संदेह आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो अच्छा काम कर रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और रही सदस्यता रद्द करने की बात, तो गुजरात में तो अभी देखिए इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो इस वजह से मुझे लग रहा है सब इलेक्शन प्रोपेगंडा है। बाकी ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं, दिल्ली में तो काम ठीक हो रहा है, पंजाब में भी ठीक ही हो रहा है काम, दिल्ली में भी काम ठीक ही हो रहा है, तो मुझे लगता है नहीं कि इनको सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जो काम पार्टी स्टेट लेवल पर काम बढ़िया तो कर ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं लगता है कि ये गुजरात में इलेक्शन है इसलिए। हाँ, इसका तो ये मेन फैक्टर है, गुजरात में इलेक्शन तो है ही है, तो वो प्रोपेगंडा भी है अपना, तो उस वजह से भी शायद हो रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भंग करना चाहिए। नहीं, भंग करने का फायदा क्या है बताइए, जो काम कर रहे हो अच्छा काम तो कर रहे हो, जो अच्छा काम करो उसको तो करने दें भाई, अच्छा काम तो करने दें आप उसको, जो काम अच्छा कर रहे हो उसको काम करने, जो खराब हो रहा है उसकी तो सभी आलोचना करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल ने क्या अच्छा काम किया? यार, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें, पार्कों का हाल देखें, आप चलो MCD जो छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल लेवल पर आप देखिए ना, सब जगह तो काम बिजली भी फ्री मिल ही रही है, ऐसा तो नहीं है बिजली फ्री नहीं मिल रही, सबको मिल रही है। और आज 6 महीने 5 महीने से तो नहीं मिल रही, 2-3 साल 4 साल तो हो ही गई है बिजली को फ्री मिलते मिलते, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली फ्री मिल रही है। बाकी लेवल पर काम हो ही रहा है, बसों में तो लेडीज़ फ्री जा ही रही हैं, ऐसा तो नहीं है लेडीज़ों की टिकट लग रही है, जो लेना चाहती है लेती हैं, बाकी तो टिकट फ्री है ही है। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो दोनों चीज़ लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ के रोड इतने ख़राब है, कुछ एक्शन तो लिया नहीं जा रहा उस पर, कुछ काम अच्छे किए हैं और कुछ गलत भी लगता है, तो मैं तो सपोर्ट में भी और नहीं भी, अब सपोर्ट में नहीं हूँ, पहले सपोर्ट में थी। पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्कूल जो है सारे अच्छे हुए हैं, बिजली पानी सब कुछ फ्री है, सब कुछ है, ये गुजरात दंगों की वजह से उसी वजह से जो हो रहा है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। बाकी आने दिनों में केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रही है, हम कहते हैं आगे ऐसा अच्छा काम करेगी, हमें आम आदमी में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा काम करिए और ऐसे ही करती रहेगी। ये बदनाम पार्टी को बदनाम करने की एक वो है। आप आम आदमी पार्टी के काम से? हाँ, हम आम आदमी पार्टी के काम से बहुत खुश हैं। तो आपको किसी चीज़ की कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूलों में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बसों का सब में अच्छा काम है, हर जगह अच्छा काम कर रहा है, वो आगे इस तरह काम करती रहेगी। ये क्या ऐसा तो नहीं गुजरात में इलेक्शन है इसलिए ये? हाँ, इस हो सकता है इसी चक्कर में कुछ पार्टी जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, और पंजाब और गोवा में जो ये सिस्टम चल रहा है वो इसके वजह से चार्जशीट लागू कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, स्कूल कॉलेज स्कूल सब कुछ बनवा रहे हैं, और हर जगह इनकी जो है ना हर तरीके से दिल्ली में भी अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनके इनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, और चार्जशीट जो गोवा में हो रहा है इसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो गुजरात में इलेक्शन है इसलिए इसको मान्यता रद्द करने के लिए बात हो गई है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हमें ये ख्याल है, जो सरकारी स्कूल हैं जिसके ड्रेस अलग अलग होना चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ होता है तो उनको पहचान सका जाए, इसीलिए सारे स्कूल का ड्रेस अलग अलग होना चाहिए। तो आपके कहना मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा खो जाता है तो अलग अलग रहेगा, तो बच्चों के पहचानने में आसानी रहेगी, ये पता चलेगा कि स्कूल कौन सा स्कूल का बच्चा खोया हुआ है, तो ड्रेस कोड अलग अलग होना चाहिए। तो सुना आपने दिल्ली की जनता क्या कहती है? दिल्ली की जनता कहती है कि राजनीति प्रोपेगंडा है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल राजनीतिक कुर्सी हथियाने के लिए अपना एक प्रोपेगंडा चला रहे हैं, खासकर गुजरात में जो प्रचार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में कहीं से भी नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश, टॉप स्टोरी दिल्ली।